बंडी बहाउद्दीन में बेटी ने मां और दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। मुलजमान ने लाश घर के कमरे में ही दफना दी और मकतूल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शक की बिना पर पुलिस ने तफ्तीश की तो मां और बेटी ने सब सच उगल दिया। मुलजमान की निशानदेही पर घर के कमरे में दबी लाश को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों मुलजमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन में बेटी ने मां और दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। मुलजमान ने लाश घर के कमरे में ही दफना दी और मकतूल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शक की बिना पर पुलिस ने तफ्तीश की तो मां और बेटी ने सब कुछ सच उगल दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे अफजाल हुसैन, नुमाइंदा 7 न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजाल, बताइएगा कि इस सच का पता कैसे चला? जी बिल्कुल है, ना तो रिश्तों का मान रहा ना ही तकद्दस से। ये अफसोसनाक वाकया जो है ये मंडी बहाउद्दीन का इलाका डेरा अहमद शाह शुगर मिल रोड पे, जहाँ पर ये मुबैना तौर पर बेटी ने आशना के साथ और माँ के साथ मिलकर अपने ही बाप को जो है ना कत्ल कर दिया। और ये वकुआ बताया जा रहा है कि कत्ल के बाद जो लाश है उन्होंने घर के अंदर ही एक कमरे में दफन कर दी थी। ये थाना इलाका जो सिविल लाइन का है इसकी हदूद में ये वाकया पेश आया। और मुलजमान ने जो है मकतूला की लाश को 15 दिन पहले गला काट कर उनको कत्ल करके लाश दबा दी थी और खुद ही जो है ना घर से उसके जो है ना वो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खुद ही जाके थाना सिविल लाइन में उन्होंने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी और खुद भी जो है ना वो इसको गुमशुदा साबित करके घर से बाहर ढूंढे खुद ही निकले हुए थे। लेकिन शक के गुजरने पर पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मां बेटी ने साथ जो है ना वो उगल दिया और मुलजमान की जो है निशानदेही पर जब घर के अंदर कमरे को खोदा गया तो लाश कमरे के से बरामद हो गई। और ये भी बताता चलूं कि मकतूला की जो बेटी है ये मुलजम को ये बेटी जो है ना वो जो इसका आश्रय है उसका वालिद जो है जो मकतूल है वो इसको मना करता था कि तुम इसके नाम। जी, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अफजाल हुसैन के आपने तफसीलात से आगाह किया।